नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत। मु जागृति। पृथ्वीर दुई महादेश विश्वर दुईटी सबुठू जनबहुल देश सबुठारु द्रुत विकासशील दुई अर्थनीति दुहे पड़ोसी किंतु संपर्क रे नथिला सेतेटा मधुरता। गत वर्षक भितर तो आहुरी अधिक बिगिड़ जाइथिला संपर्क, किंतु गत दुई दिन घटनाक्रम हठात बदलाई देछि सबुकिछि। आमे कहुछु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन गस्त कथा, जहां भारत चीन संपर्क ने संचार करिछि नुआ आशा आशा करा जाउछि। मोदींकर ए गस्त फळरे बदलिछि दुई पड़ोसींकर हृदय, पुणि फेरी आसिब हिंदी चीनी भाई भाईर जुग। भारतर प्रधानमंत्री और चीन राष्ट्रपति दुई नेता एमिती भेटिले एमिती मिसिले, जहां फळरे लागुछि एबे मजबूत हेब ड्रागन सह दोस्ती। गस्त अनौपचारिक थिला, पूर्वरु भी एहाकु नै बेसी किछि चर्चा होइ नथिला, किंतु प्रधानमंत्री चीन माटीरे पाद पकाई देबा थारु नै दुई दिनर रहणी भितरे तांकर स्वागत। चीन राष्ट्रपतिंक सहित मोदींकर जुगलबंदीर चित्र सारा विश्वर ध्यान आकर्षण कला। देखिबाकु गले ना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदींकर ये प्रथम चीन गस्त थिला, ना ये थिला सी जिनपिंग सहित तांकर प्रथम साक्षात। प्रधानमंत्री हेबा परे तीनी थर चीन जाइथिले मोदी, आउ चीन समेत विश्वर विभिन्न स्थानरे दस थर परस्पर को भेटिथिले दुई नेता, किंतु एथर मोदी और जिनपिंग भेटघाट वर्णना करिछि संपूर्ण नुआ कहानी। ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଏମିତି ଥିଲା ତାର ଫଳାଫଳର ଅନୁମାନ ତ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତ ଯଦିଓ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀର ଏ ଚିତ୍ର ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା। दुई दिन रे चीन रो हृदय कहा वुहान शहर रे दुई नेता नौका विहार कले, पादरे पाद मिसाई चलिले आउ सारा विश्व को एक स्वतंत्र वार्ता भी देले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करने को पुणि थे राजधानी बेजिंग रु बाहर को आसिले चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग। एथिपाई चीन राष्ट्रपति को धन्यवाद भी देले प्रधानमंत्री। चीन के वुहान शहर में आपने और डेलीगेशन का जो आत्मीयता से स्वागत किया, इसके लिए मैं आभारी। हम भारत के लोग इस बात को बड़े गर्व के साथ रजिस्टर करते हैं कि शायद भारत का प्रधानमंत्री पहला है जिसको आपने कैपिटल के बाहर दो बार करके रिसीव किया है। ये अपने आप में भारत के प्रति प्यार, भारत के प्रति आपका स्नेह ये प्रकट होता है। दुई हजार चौदह प्रधानमंत्री हेबा परे ये थिला मोदींकर चतुर्थ चीन गस्त। एहा पूर्वरु दस थर परस्पर को भेटी सारी दुई नेता। गत वर्षक भितरे भारत और चीन मध्यरे जेउभली संपर्क सृष्टि होइथिला से दृष्टिरु बेस गुरुत्वपूर्ण थिला एहि साक्षात। बोधहुए एथिपाई ए स्वतंत्र भेटघाट पई चीन रो हृदय कहाजाउथिबा वुहान शहर को बाछिला चीन, जहा फळरे भारत सह होइपारिब हृदय खोला आलोचना। यार एक प्रमाण सेतेबेले देखिबा को मिलिला जेतेबेले नरेंद्र मोदी और जिनपिंग परस्पर सह प्राय 30 सेकेंड जाए हाथ मिलाइले, आउ दुई राष्ट्र मुख्यों साक्षात मुहूर्त सेतेबेले आहुरी हल्का होइगला
जेतेबेले सी जिनपिंग को केटली धराइबार भारतीय अंदाज सिखाइले प्रधानमंत्री ए दुई दिन भितर एमती बहुबार हला जेतेबेले नरेंद्र मोदी और सी जिनपिंग भितर देखा मिलला भिन्न प्रकार शारीरिक भाषा ठीक एमती किसी दृश्य देखा मिलता 2014 सेप्टेम्बर में जेतेबेले भारत यात्रा समय अहमदाबाद आसीथिले सी जिनपिंग साबरमती नदी कूल साक्षात्कार को देखिला सारा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुईदिनिया चीन गस्त संपूर्ण भाव अनौपचारिक पूर्व ही निष्पत्ति ना यही समय कौन चुक्ति हेब ना करोसी घोषणा विश्व को पूर्व ही कहला कौन प्रकार मिलित सांबादिक सम्मिलन भी होबना तेज यह दुई दिन को भारत सह चीन संपर्क में मधुरता फेर आने दिगरे सहायक होबी कहफल परवर्ती समय जितेबाड़ दुई देश सीमा बद भोसी बड़ बदर समाधान एकाठी हे से संपर्क यही उष्मता तिक्तार बरफ को तरलाइबार काम कर चीन रु जो चित्र आसला ताकु देखि लागिला जेमिति डोकलाम रे पत्र झड़ा देबार ऋतु बीती जाइछि एथि सहित लागिला जेमिति विश्वर दुई पड़ोसी तथा शक्तिशाली देश भितर थिबा परस्पर सह शत्रुता एबे बंधुतार मीठापण चाखुछि एथि पई बुहान ने पंचशीलर नुआ सिद्धांत देले प्रधानमंत्री मोदी आउ ताकु स्वागत कले चीन राष्ट्रपति बुहानर परिवेश रे गुंजरण हेला गोटी स्वर तुमे हेचो सही जाकु हृदय कहिला निजर तुमे जेउठी मु भी अछि ठीक सेठी मिसि जिबा एमिति जेमिति दुइटि लहरी हां ए कथा तो सत ठीक एमिति मिलित हेले भारत ओ चीन रो राष्ट्र मुख्य पीएम मोदी एवं सी जिनपिंग करो ए प्रतिचित्र एक अक्षर प्रमाण भी देउछि ए चित्र देखि के कहि परिबो जे गत वर्ष जून रे दुई देशर सैनिक डोकलाम रे परस्पर विरोध रे अस्त्र शस्त्र धरि छिड़ा होइथिले किंतु ये थिला अतीतर सत आउ आजर सत हेउछि जे चीन जाइथिले प्रधानमंत्री मोदी आउ सेठाकर राष्ट्रपति सबु नियम भांगि लागे पड़िथिले तांकर आतिथ्य करिबारे अवश्य दृश्य पछरे दुई देशर निज निज आवश्यकता भी अच्छी आवश्यकता अच्छी साथी चल पार कारण विश्वर 40% जनसंख्या ए दुई देश चीन एवं भारत रे ही रहती प्राय 3.5 अरब लोकों नेतृत्व करुवा ए दुई नेता भल भाव जानते जे एकुटिया निज लोकों पर सब व्यवस्था करवा केते कष्टकर एथिपाई सेठारे पंचशीलर नुआ सिद्धांत देले प्रधानमंत्री मोदी कहिले जदि आमे समान लक्ष्य मजबूत संपर्क एक संकल्प उन्नत आलोचना एवं समान चिंताधारा पांच सिद्धांत विशिष्ट पंचशील रास्ता रे चलिबा तो यहाद्वारा विश्व शांति स्थिरता एवं समृद्धि आसीब मोदी कहिले राष्ट्रपति जिनपिंग एहाकु बुझिले आउ पर मुहूर्त रे एहार जवाब दिले प्रधानमंत्री मोदी कहिथिबा पंचशील रा नुआ सिद्धांत रु प्रेरणा नहीं चीन भारत सहयोग रे काम करने को प्रस्तुत अच्छे ए दुई देश सांग हो काम कले दुई देशर विभिन्न प्रसंगर भी समाधान हो भारत चाहिए चीन भारत पर एनएससी द्वार बंद न करू चीन चाहिए भारत चीन कंपानी गुड़िकाई निज द्वार अधिक बड़ करू भारत चाहिए चीन पाकिस्तान को प्रोत्साहन देवा बंद करू मसूद अजहर को आतंकवादी घोषणा करू चीन चाहिए भारत पाकिस्तान सारा विश्वर द्वार बंद न करू भारत चाहिए चीन सीपीएसी जरिया भारत सार्वभौमत हस्तक्षेप न करू चीन चाहिए भारत तार आर्थिक कारबार में दृढ़ भागीदारी एमती अनेक प्रसंग अच्छी आशा करा जे अनौपचारिक साक्षात रे ए सब उपर आलोचना होइथिबो निश्चित भाव में बुझामणा होइ नथिबो किंतु एक कथा सत जे एमती साक्षात आलोचना माध्यम रे तो मजबूत हेबो दुई देशर बंधुत्व आउ शीघ्र कोनोसी ना कोनोसी चूड़ांत निष्पत्ति रे पहुंचबे जून मास रे पुणी चीन जिबे प्रधानमंत्री मोदी आउ ए समय भितर सब किछि ठीक ठाक रहिले होइ पारे जे सेतबेले एथरर साक्षात प्रभाव देखिबा को मिलिबो ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया
जल संकट कोटि कोटि जनसंख्या पाई खाद्याभाव निजुक्ति परिवेश प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग एमती अनेक जटिल समस्या जर्जरित तो सारा विश्व अन्यपटे सीमा बिवाद बा प्रभुत्व जाहिर करिबार निसारे समय समय परमाणु युद्धर धमक देउछंती विश्वर बहु महाशक्ति एभली समय रे विश्वर दुई सर्वाधिक जनबहुल देश भितरे संपर्क सुधरिबा सारा मानव जाति पई हेबो कल्याणकर दुई दिन धरी वुहान शहर पर्यटन स्थलगुड़िकर परिदर्शन कले प्रधानमंत्री मोदी लिखित भावे दुई देश भितरे कोनोसी चुक्ति हेला नाही किंतु दुई देशर नेता केतोटी प्रसंग उपरे उभयंकु देइछंती निर्भर प्रतिश्रुति जहा बाबतरे भारतर विदेश मंत्रालय पक्षरु दिया जाइछि सूचना कहा जाइछि जे सीमारे शांति कायम रखिबा पई दुई देशर सेना भितरे आलोचना बढ़ा जिव मोदी जिनपिंगक भितरे एकथाकु नै बि होइछि सहमति जे भारत ओ चीन मिलित भावे अफगानिस्तान रे परिचालना करिवे संयुक्त आर्थिक योजना आतंकवाद को शेष करबा को पारस्परिक सहयोग बढ़ाइबा उपरे मध्य प्रतिबद्धता देखाइछंती दुई नेता एहछरा दुई देश भितरे फिल्म जरिया रे सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाइबा को मध्य आलोचना होइछि दुई दिन भितरे दुई नेतांक भितरे छ थर हेला साक्षात आलोचना प्रतिथर साक्षात परे आशा सृष्टि हेला जे एशियार ए दुई शक्ति परस्पर सह मिसी चलिबा को प्रस्तुत अछंती किंतु दुई देशर हित परस्पर सह धक्का खांती परस्पर सामना सामने आसंती भारत चीन मध्यरे सीमा विवाद किछि नुआ कथा नुहे अनेक थर चीन सैनिक भारतीय सीमारे अनुप्रवेश करिछंती एहा छोडा चीनर सबुठारु महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडर पाक अधिकृत काश्मीर दे अतिक्रम करुछि पाकिस्तानर समर्थन करबाकु चीन मसूद अजहर भली आतंकवादी को भी रक्षा करे आतंकवाद उपरे चीनर पाकिस्तान प्रेम चलित मासरे ही देखा मिली जितेबाला लंडन गस्त समय पाकिस्तान रो आतंकवाद चरित्र को एमती बेनकाब करथिले प्रधानमंत्री मोदी जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है एहा छड़ा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप रे भारत को सामिल करिबा बाटरे प्रतिबंधक सृष्टि करिया सूचि चीन दुई देश भितरे व्यवसाय रे चीन आडू असंतुलन मध्य रखा जाउछि एभली स्थिति रे जेतेबेले हिंदी चीनी भाई भाई रो कथा कुहा जाए सेतेबेले प्रश्न उठिबा स्वाभाविक कथा हला ए दोस्ती कोन दीर्घस्थायी हेबो ना एहा भी चाइना जिनिस भली हेबो क्षणस्थायी डोकलाम को नै कोन प्रकृत रे चीन निजर आभिमुख्य बदलाइबो एकथा एथिपाई कहा जाउछि कारण चीन गस्त कालरे मोदी ओ जिनपिंग क मध्यरे जेउ सबु बुझामणा होइथिबा कथा कहा जाउछि ताहा मुहरे ही करा जाइछि जहार अंतरराष्ट्रीय कूटनीति रे कोनोसी गुरुत्व त नाही किंतु भारत रे एही अनौपचारिक चीन यात्रा रो पोस्टमार्टम आरंभ होइ सारिछि कहा जाउछि चीन को एक स्पष्ट वार्ता देइ फिरिछंती प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी चीन रु फेरि आसिछंती ए यात्रा केते सफल होइछि तहा आगामी दिन रे जणा पड़िबो जेतेबेले सीमा विवाद भली प्रसंग रे चीन निज आभिमुख्य स्पष्ट करिबो सेतेबेले जाय भारत ओ चीन भाई भाई होइ जाइछंती एभली कहिबा पिलाळियामी हेबो ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया मोदींकर चीन गस्त ए गस्तरु दुई देशकु कोन सबु मिलिबो केमिति दुई देशर संपर्क रे ए गस्त एक दृढ भित्तिभूमि भली काम करिवो सेने हेउछि चर्चा या भितरे अधिक आशावादी होई उठिछि चीनी गणमाध्यम एमिति तो भारत सहित संपर्क को नै चीन गणमाध्यम रो आभिमुख्य सेतेटा सकारात्मक न थाए किंतु एथर जेमिति भाषा बदलाइछि आशा करा जाउछि चीन रो मनोभाव रे भी परिवर्तन आसिबो आशा अनुसार दुई नेता हृदय खोली कथा हेले या फळ रे
दुई देश भितर विश्वास बढ़िबो। एही अनौपचारिक शिखर वार्तार सुंदरता हेउछि जे एथिरे कोनोसी प्रकार चाप नाही, बरं केवल आशा ही रहिछि। प्रधानमंत्री मोदींकर एही अनौपचारिक शिखर वार्ता फलरे दुई देश भितर व्यवसाय और एकता अधिक मजबूत हेबो। चीन गणमाध्यम एकेतक शीर्षक बयान करुछि जे भारतीय प्रधानमंत्री गस्त को नहीं केते गंभीर थिला चीन आउ वुहान रे होइथिबा अनौपचारिक कथाबार्ता को केते गुरुत्वर सह नेछि। सेथिपाइं त चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग निज सेना बाहिनी को निर्देश देइछन्ति जे सीमा प्रसंगरे काम करुथिबा विशेष प्रतिनिधि यथार्थ तात्विक और पारस्परिक सहमति योग्य समाधान पाई द्रुत प्रयास करंतु। सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तेजना कम करिबा पाई वर्तमान संस्थागत प्रबंध और सूचनार विनिमय करने व्यवस्था को मजबूत करा जाऊ। चीन राष्ट्रपति एमिति निर्देशनामा जारी करिबा स्पष्ट करुछि जे अनौपचारिक कथाबार्ता हेले भी यार प्रभाव पड़ी आउ एही प्रभाव चीन संवादपत्र गुड़िकर भी देखा जाइछि। चाइना डेली लेखिछि जे बेजिंग और दिल्ली परस्पर को शत्रु बोली कहुनाहांती, यार अर्थ उभय द्विपाक्षिक संपर्क सुधार आशा करुछंती। चाइना डेली आहुरी लेखिछि भारत और चीन परस्पर नैसर्गिक सहयोगी, दुहे एक मानुछंती जे अन्य विकासशील देशगुड़िक भी एमानंक ठारु विश्व व्यवस्था को उन्नत करने को अंतरराष्ट्रीय संपर्क में सुधार आशा रखती। भारतीय हाथी और चीन रो पांडा को परस्पर सह हाथ मिलाउथिबा कार्टून सह एक खबर प्रकाश करिछि ग्लोबल टाइम्स। एथरे कहा जाइछि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग को आलोचनारु भारत चीन संपर्क रे एक नुआ जुगर शुभारंभ हेबो। आउ एक लेखारे ग्लोबल टाइम्स कहिछि जे भारत और चीन एक स्वीकार करुछंती जे तिक्तता उभय देशर हित पाई ठीक नुहे एवं बिवादर समाधान हेबा उचित। सी जिनपिंग करो सही बयान बाबदरे उल्लेख करिछि चीन रो आउ एक संवाद पत्र पीपल्स डेली, जेउथरे चीन राष्ट्रपति कहिछंती जे दुई पक्ष भितरे सहमति फलरे चीन भारत संपर्क रे सकारात्मक संकेत मिलिछि। एही संकेतरु लाभप्रद साहाज्य बढ़ाइबा दिगरे दुई विकासशील अर्थनीतिर मजबूत उद्देश्य देखा जाइछि। भरोसा, विश्वास, मजबूत उद्देश्य, विवादर शांतिपूर्ण समाधान, आर्थिक उन्नति, एहा हित चाहुछंती आमे। आउ एही आशा पाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वुहान रे जेउ आलोचना करिछंती तारि फलस्वरूप चीन रो प्रत्येक संवादपत्र भारत पाई ए शब्दर व्यवहार करुछंती। नचेत गत वर्ष सारा तो चीनी गणमाध्यम भारत विरोध रे विष उगाळुथिले। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। निकटतर होइछंती दुई सुपर पावर, नुआ आशा देखाइछि प्रधानमंत्री चीन गस्त। चीन रो परिवर्तित आचरण नुआ समीकरण को जन्म देव कि भारत सहित निकटतर हेले पाकिस्तान को दूरे देव कि चीन, प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। चीन सहित संपर्क रे सुधार को नहीं भारत केते उत्साहित हेबा कथा आउ केते सतर्क रहिबा कथा, आसंतु देखिबा ए रिपोर्ट। बर्नाढ्य आयोजन भव्य स्वागत, शत्रुता की शक्तिर प्रदर्शन नुहे, संपर्क और बंधुत्वर मधुरता। बदलुछि समय, बदलुछि ड्रागन, ये चीन रो चाल, परिस्थितिर चाप ना प्रकृतरे मने पड़िला हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगान। चा पीले नौकारे बुलिले देखिले संग्रहालय, आगुरे एमिति दृश्य देखिनथिला भारत ओ चीन, सबु किछि थिला नुआ आउ न्यारा। मोदींक चीन गस्त कु नै उभय देश आशावादी, डोकलाम विवाद परे एभली कूटनैतिक सफलता हुए तो केही आशा करिनथिले। भारत चीन शिखर बैठक दुई देशर बंधुता को नुआ शिखर देछि।
କେବଳ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ନୁହେଁ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିପାରେ ଭାରତ ଚୀନ ବନ୍ଧୁତା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଲା ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଢେର ଆଗରେ ଡ୍ରାଗନ। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବରୁ ବିରତ ରହିବ ଭାରତ। ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ବି ଏଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବ। ତଥାପି ଅତୀତକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଚୀନ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛି ଡ୍ରାଗନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୀନର ଲଗାତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାରତ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମ୍ପର୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଣିପାରେ ଅଡ଼ୁଆ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଛାଡ଼ିବ କି ଚୀନ? କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ସହ ମିଶି ଚୀନ କାମ କଲେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନ, କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ହିଁ ହାତ ଧରିଥିଲା ଚୀନ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ନେପାଳରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ଚୀନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଚୀନ ସହ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଭିଏତନାମ ଭଳି ଦେଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଚୀନର ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଓ ବଜାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ରଣନୀତି ଓ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଚୀନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ। କିନ୍ତୁ ଚୀନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଚୀନର ବନ୍ଧୁତା ଭରସାଯୋଗ୍ୟ? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବନ୍ଧୁତାର ମାନେ ବୁଝାଇ ସାରିଛି ଚତୁର ଚୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କୁହାଯାଏ ଆଶା ଉପରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏହି ଦୁନିଆ। ଏମିତି ଏକ ଆଶା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପୃଥିବୀ ଆଗରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୋଦି ଓ ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ସବୁ ଶକ୍ତି, ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିନାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେଉ। ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଭାରତ ଚୀନ। ସମୟ ସରିଛି, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।